स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी शर्मा फ्रॉम यूनिक स्टडी सेंटर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास, विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सानू सब तो पहला जो असी चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं उदे नेम बारे पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स बारे बहुत पता होना जरूरी है, ताही आपां अगे दीआं चीज़ां नूं वधिया तरीके नाल समझ पावांगे. लाइक साडे चैप्टर दा नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. दो पार्ट्स डिवाइड हैगा साडा चैप्टर. पहला असीं इहदे पार्ट वन बारे पढ़ते हाँ. वट इज़ कैमिकल रिएक्शन? कैमिस्ट्री की कहती है द प्रोसैस इन विच टू और मोर सबसटांसिज रिएक्ट टूगैदर टू फॉर्म अ न्यू सबसटांस विद न्यू प्रॉपर्टीज़. मतलब की होया, कैमिस्ट्री कहती जदों दो या दो तो ज़्यादा चीज़ा रिएक्ट कर दियां ने, रिएक्ट करना मतलब मिक्स होंदियां ने एक दूसरे नाल, तो एक कुछ एवें दी नवी चीज़ दिंदियां ने जिहदियां प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज होन, दैट इज़ अ कैमिकल रिएक्शन. उहनूं असीं की बोलांगे? कैमिकल रिएक्शन. लाइक हुण आपां 10th क्लास च हो गए, जो मैं एग्जाम्पल लिखी है ये थोनों सबनों नेम्स तो क्लीयर हो गया होगा कि मैंने बहुत बेसिक एलीमेंट चके ने कैमिस्ट्री दे, सोडियम प्लस क्लोरीन. उन्हां दोनों ने रिएक्ट करके टू सबसटांसिज ने रिएक्ट करन तो बाद सानूं एक नवा सबसटांस देता सोडियम क्लोराइड, जिहदे बारे हुण मैं लिखां तां तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल समझ जाओगे, विच इज़ आर कॉमन सॉल्ट, जिहड़ा कि साडी लाइफ दा एक बहुत बेसिक जिहा सबसटांस बन चुकी है. हुण अपने डेफिनेशन नूं आपां किवें इहदे नाल रिलेट करिए? पहली गल, दो या दो तो ज़्यादा चीज़ां जो रिएक्ट हो के कुछ नवी देंगे एक चीज़ सानूं विद न्यू प्रॉपर्टीज़. हुण आपां ने कदे किसी ने सुनिया भी किसी ने सोडियम खाया होवे या किसी ने सोडियम कंज्यूम किया होवे या क्लोरीन पीती है? पर असी सारे सोडियम क्लोराइड डेली कंज्यूम करते हैं. क्यों? क्योंकि आफ्टर रिएक्शन सानू जड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने वो की मिलिया ने गियां, बिल्कुल चेंज मिलिया ने, विच इज़ कॉल्ड कैमिकल रिएक्शन. ये सीगे अपने डेफिनेशन ऑफ पार्ट वन केमिकल रिएक्शंस. थैंक यू.